नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त रामलीला में हैं। रामलीला में आप मंच की शॉट्स तो बहुत देखते होंगे, लेकिन आज हम आपको बैक स्टेज लेके आए हैं, जहां पर राम जी जो राम का किरदार निभा रहे हैं वो तैयार हो रहे हैं और उनका मेकअप चल रहा है। आपको इनसे बात भी करवाएंगे। सर आप डायलॉग याद कर रहे हैं, राम जी डायलॉग याद कर रहे हैं किरदार के, हालांकि उनको याद है लेकिन रिहर्सल कर रहे हैं वो। आज आपका क्या प्रसंग होने वाला है और कौन सा डायलॉग आप बोलने वाले हैं? समुद्र देव के लिए राम जी क्रोधित होते हैं, कहते हैं लक्ष्मण आज 3 दिन बीत गए हैं परंतु ये जड़ रूपी समुद्र हमारी विनती सुनता ही नहीं। ये सत्य है कि भैबिन प्रीति नहीं होती, इसलिए जाओ मेरा धनुष बाण लेके आओ, मैं अपने एक ही अग्नि बाण से इसे अभी सुखा देता हूँ। तो ये भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं और आज जो होने वाला है, आज मेघनाथ जो है लक्ष्मण जी को शक्ति मारेंगे जिससे वो मूर्छित हो जाएंगे। आप अपना नाम बताइए, लक्ष्मण बने हैं आप श्री धार्मिक रामलीला में, आज क्या होने वाला है? मेरा नाम आकिब है और आज श्री धार्मिक रामलीला के अंदर लक्ष्मण मूर्छा का प्रसंग चलाया जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर प्रसंग है जो कि हम आज आप लोगों के सामने दृश्य प्रस्तुत करेंगे। इसके अंदर लक्ष्मण जी को मेघनाथ ब्रह्म शक्ति का आवाहन करके ब्रह्म फास मार देता है जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो मेघनाथ जी भी यहीं पर? हाँ बिल्कुल यहीं पर, सारे पात्र भी यहीं हैं। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है, इस ब्रह्म शक्ति का रूप धर, अब पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। मेघनाथ जी का आज ये संवाद होगा और देख सकते हैं आप कैसे मेकअप किया जा रहा है। तमाम चीज़ें आपको मैंने दिखाई हैं, व्यास जी की चौपाइयाँ, विश्वविख्यात व्यास जी की चौपाइयाँ अगर इस रामलीला में पूरी नहीं होंगी तो शायद अधूरी रह सकती है रामलीला। क्या चौपाइयाँ हैं, कैसे आप माहौल बनाते हैं, जरा बताइए। आपके सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारे, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारे। वानर सेना तैयार है, पत्थर भी तैयार है मेरे सामने, अब थोड़ी देर में मंच पर ये पत्थर जाएंगे जो थर्माकोल से बने हुए हैं। आप देख सकते हैं दूर से, आपको देख के बहुत भारी लग रहे होंगे लेकिन ये पत्थर बहुत ही हल्का है क्योंकि ये इस नाटक में इस्तेमाल होंगे और इनको पेंट किया गया, वाइट से पेंट किया गया। मेरे हाथ में देखिए ये लग भी गया है थोड़ा सा। तो ये जिन पत्थरों में श्री राम लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, इन पत्थरों में राम लिखा हुआ है और यही पत्थर नल और नील दो बानर कपिदो भाई, नल और नील कपिदो भाई जो है ये राम सेतु, जिसके अस्तित्व पर आज भी सवाल करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो राम सेतु है और यही पत्थर, ऐसे ही पत्थर जिनमें श्री राम लिखा हुआ है वो राम सेतु में अभी भी मौजूद हैं। तो ये आज प्रसंग होगा। हम आपको उस जगह ले चलते हैं जहाँ पर सीता माता बैठी हुई हैं और इनको खोजते खोजते मैं तमाम जगह नॉक करके आया हूँ और सीता माता यहाँ मेकअप ले रही हैं और मैं आपको दिखाता हूँ उनका मेकअप गेटअप किस तरीके से उन्होंने ले रखा है। ये सादे वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं, इसका मतलब वो श्रीलंका में हैं, लंका में हैं वो, और उनका हरण रावण जी ने कर लिया है, रावण जी ने कर लिया और भगवान श्री राम उनका जो है उनको ढूंढते हुए लंका पर पुल बनाते हुए नल नील के सहारे वो पुल बन रहा है और वो ढूंढते हुए आए हैं। सीता माता जी आप कर रही हैं रोल, और आप पहले अपना नाम बताइए और उसके बाद बताइए आज क्या होने वाला है। मेरा नाम राधा शर्मा है और आज रामलीला का मेरा लास्ट सीन है अशोक वाटिका में। मुझे हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि देनी है राम जी के लिए। पुत्र चूड़ामणि मेरे प्रभु को भेंट दे देना और उनसे कहना यदि वो एक मांस तक मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये जो खूबसूरत सी दो महिलाएं दिख रही हैं, बेहद ही खूबसूरत हैं ये दोनों लोग, लेकिन इनका रोल बड़ा वैसा है। हम पूछना चाहते हैं आपका क्या रोल है? राक्षसनी। आपको कहीं से लग रही है ये? आपको कहीं से राक्षसनी लग रही है? इतना बड़ी बहुत भारी है, हल्का है? नहीं नहीं, एक बार मैं छू के देखूं। देख एक बार, छोड़ी नहीं, इतना हल्का भी नहीं है, इतना भारी भी नहीं है, लेकिन इसको
इसको देखिए आप कैसे रखे हुए हैं। आपको ये आपने ये रोल क्यों लिया मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताइए। माइक पकड़िए आप, ये रोल आपने क्यों लिया? पकड़िए तलवार, मेरा तो फर्स्ट टाइम। मुझे दे तलवार। ये तलवार भी हल्की नहीं भाई, ये खुलती है कि बंद होती? खुलती भी है ये तलवार, खुलती भी है और भारी तलवार भी है, वो फरसा भी है और ये लोग जो है राक्षस नहीं बनी हुई हैं लेकिन कहीं से नहीं लगती हैं। क्यों आपने रोल क्यों लिया मुझे बताइए। मेरा फर्स्ट टाइम है तो जो भी सर बोलते हैं मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सभी रोल करने चाहिए, ज़रूरी नहीं है एक ही रोल, है ना, तो सभी करना चाहिए और सब चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो इसलिए। ठहरो राक्षसियों, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा कि एक वानर ने पूरी लंका को जला दिया है। लंका का राजा रावण दक्षिण दिशा की ओर नंगे पांव जा रहा है। लंका का राज्य विभीषण को मिला है। जाओ विश्राम करो और सीते को आराम करने दो। जी बहुत इतनी सुंदर राक्षसियों से डायलॉग सुनकर आपको भी अच्छा लगा। आपका कोई डायलॉग हो? आपको कोई डायलॉग नहीं है? डराना डराइए जी, एक बार हमें भी डराइए माइक पे। नहीं, आपको डराना पड़ेगा भाई। इतना भी कोई खास डरा नहीं है, खड़ा ही होना है। बस खड़ा होना, वही डरा दीजिए एक बार, केवल सिर्फ देखना है उसको, घूर के देखना है। तो आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत राक्षसनियाँ हैं, इनसे कोई नहीं डरेगा, बच्चे भी नहीं डरेंगे, लेकिन ये कैरेक्टर है। रामलीला में छोटा सा रोल भी मिल जाए तो वो अपने आप को धन्य पाते हैं। जय श्री राम सभी को। आज जो देवकन्या होती है मैं वो भूमिका निभाने जा रही हूँ। मैंने पहले भी माता सीता का जो दूसरा स्वरूप होता है वेदवती, वो भूमिका मैं निभा चुकी हूँ, जैसे कि वेदवती, विश्व मोहिनी जैसी भूमिकाएं मैं निभा चुकी हूँ। आज जो हनुमान जी का पैर पकड़ती हैं वो देवकन्या होती हैं, श्राप से वो मगरमच्छ बना दी जाती हैं, लेकिन जब हनुमान जी उनके स्पर्श होता है हनुमान जी से, तो उनको स्पर्श के बाद में वो देवकन्या बन जाती है, अप्सरा, उनका उद्धार हो जाता है, वो श्राप मुक्ति हो जाती है। तो मैं आज वही किरदार इसमें निभाने जा रही हूँ। जो भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है, जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पापित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, ये ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। माता जी, मैं प्रभु श्री राम जी का भेजा हुआ एक छोटा सा दूत हूँ और मैं आपकी सुधि लेने आया हूँ। ये डायलॉग है। छोटा सा बच्चा जो 5 साल का है, कितना क्रेज होता है बच्चों में कि वो रामलीला का भाग बने, और चाहे उनको छोटा सा ही रोल, केवल पत्थर उठाने का ही रोल क्यों ना हो, चाहे कोई बस गदा लेके, उनको चाम कितना होता है छोटे छोटे बच्चों का। रामलीला के बैक सेट पर हमको केकई और मंदोदरी जो एक ही कैरेक्टर है वो मिल चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। माइक पकड़िए, कैसा लगा आपको राम को वनवास भेजते हुए भाई? पहली बात तो जय श्री राम सभी को, और मैं पूरे 21 साल से रामलीला कर रही हूँ। मेरा नाम अनीता मक्कड़ है, सब मुझे अन्नू के नाम से जानते हैं, और मैं पिछले 21-22 साल से मैं राम जी को वनवास भेज रही हूँ। और 14 साल में आ गए थे लेकिन मुझे बिल्कुल भेज रही हूँ, और मुझे ये रोल करते हुए बहुत ही अच्छा फील होता है कि मैं एक राम जी की माता का रोल करती हूँ। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर आज अपने मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निसुत को राज्य चाहती हूँ। वर जो दूसरा है मेरा, सुनते हो स्वामी, वर जो दूसरा है मेरा, सुनकर कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, दुख से वचित वचन से विचलित मत होना। अगर राम राजा होते तो राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों तक सबसे बनकर वनवासी हो। जय श्री राम। अब हम आपको मंच पर कैसे जाते हैं कलाकार ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है सीढ़ियाँ और यहाँ से हम चलेंगे स्टेज पर। स्टेज पर चलने के लिए, क्योंकि यहीं से सारे कलाकार जाते हैं मंच पर, और मंच सज चुका है रामलीला का। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी की बात कर रहे हैं। ये जो मंच सज चुका है, मंच के सामने की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, कितना भव्य मंच लगा हुआ है। ये 100 साल पुरानी धार्मिक रामलीला है। ये देखिए श्री धार्मिक रामलीला, ये श्री धार्म, मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्री धार्मिक रामलीला है मंच। ये 100 साल पुरानी धार्मिक रामलीला है। यहाँ पर आज जो है माता सीता का एक 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 मंचन होगा। रावण दिखेंगे आपको, जो शहबाज खान बने हैं, बिंदु दारा सिंह दिखेंगे,
जो हनुमान का रोल अदा कर रहे हैं, नल नील भगवान श्री राम जो है नल नील के जरिए लंका में जाएंगे, पत्थर रखेंगे वो समुद्र पर, और उसके बाद वो समुद्र देव से विनती करेंगे और फिर क्रोधित होंगे, मेघनाथ का और लक्ष्मण का जो है शक्ति लगेगी, वो तमाम चीज़ें होंगी। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर मंचन होगा और जिसमें आपको तमाम वो कलाकार दिखाई देंगे जिनमें प्रभु श्री राम का कैरेक्टर निभाने वाले, रावण का कैरेक्टर निभाने वाले, माता सीता का कैरेक्टर निभाने वाले, तमाम वो प्रसंग आपको देखेंगे। इंतज़ार कर रही है पब्लिक भी।